हाय फ्रेंड्स, बच्चों, जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम आज अध्ययन कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न आशा है आपकी वार्षिक परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है बच्चों, कालिदास है कस्य राज्य श्रित है आसीत। कालिदास किस राजा के आश्रय में थे? तो बच्चों, शिवस्य, नलस्य, हर्षस्य, विक्रमादित्यस्य। इन चारों विकल्पों में से हमारा सही उत्तर विकल्प नंबर 4 है। कालिदास है विक्रमादित्यस्य राज्य श्रित है आसीत। प्रश्न नंबर 2 आता है बच्चों, शिशुपाल वधे कियंत है सर्गः सन्ति। शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? चतुर्दश, पंचदश, अष्टादश, विंशति। तो हमारा सही उत्तर है क्रम संख्या 4, अर्थात शिशुपाल वधे विंशति सर्गः सन्ति। शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 3 आता है, माघे कतिपयः गुणः सन्ति। महाकवि माघ में कितने गुण हैं? माघे चत्वारः गुणः, पंचगुणः, त्रयः गुणः, षड्गुणः वा। तो हमारा उत्तर क्या है बच्चों? माघे त्रयः गुणः सन्ति। अब प्रश्न नंबर 4 आता है, प्रभात वर्णनम शिशुपाल वधस्य कस्मिन् सर्गे वर्तते। किस सर्ग में है बच्चों? 4 विकल्प है, एकादशे, द्वादशे, त्रयोदशे, पंचदशे व। तो हमारा सही उत्तर क्या है बच्चों? प्रभात वर्णनम शिशुपाल वधस्य एकादशे सर्गे वर्तते। प्रभात वर्णन शिशुपाल के एकादश सर्ग में वर्णित है या 11वें सर्ग में वर्णित है। प्रश्न नंबर 5 आता है, शिशुपाल वधस्य प्रेरणा स्रोतम मुख्यम पुराणम। शिशुपाल वध का प्रेरणा स्रोत क्या है बच्चों? पद्म पुराणम, नंबर 2 भागवत पुराणम, नंबर 3 मत्स्य पुराणम, नंबर 4 शिव पुराणम। तो बच्चों, शिशुपाल वध का प्रेरणा स्रोत भागवत पुराण है। तो हमारा उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 5 का? उत्तर नंबर 2। प्रश्न नंबर 6, श्री हर्षेण विरचित है प्रसिद्ध है ग्रंथ है को वर्तते। श्री हर्ष का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? हर्षचरितम, बुद्धचरितम, नैषचरितम, महावीरचरितम। कौन सा विकल्प हमारा सही है? नैषद चरितम, विकल्प नंबर 3। तो श्री हर्ष के द्वारा नैषद चरितम इस महाकाव्य की रचना की गई। प्रश्न नंबर 7, अश्व घोषस्य प्रसिद्धा रचना का वर्तते। अश्व घोष के द्वारा लिखी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हर्षचरितम, बुद्धचरितम, महावीरचरितम, नैषधचरितम। कौन सी है बच्चों? अश्व घोष की प्रसिद्ध रचना बुद्धचरितम है। तो हमारा उत्तर विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न संख्या 8, नैषधचरितम इति ग्रंथे कतिपयः सर्गः। नैषधचरितम इस ग्रंथ में कितने सर्ग हैं? 21, 22, 23, 24। कितने हैं बच्चों? 21, 22, 23 या 24। विकल्प नंबर 2 सही है, नैषधचरितम में 22 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 9 आता है बच्चों, रेवतक पर्वतस्य वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। रेवतक पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में है? इसके हमारे विकल्प हैं, बुद्धचरिते, अभिज्ञान शकुंतलायाम, शिशुपाल वधे,
नैषद चरिते वा शिशुपाल वधे इति ग्रंथे वर्तते। तो हमारे प्रश्न नंबर 9 का विकल्प 3 है, देवतक पर्वत का वर्णन शिशुपाल वध इस ग्रंथ में आया है। प्रश्न नंबर 10, बुद्ध चरितम कीदृशम काव्यम। बुद्ध चरितम यह किस प्रकार का काव्य है? बच्चों, काव्य के अनेक भेद होते हैं, जैसे खंड काव्य, मुक्तक, महाकाव्य, कथा, आख्यायिका, नाटक इत्यादि। तो उनमें से बुद्ध चरितम किस प्रकार का काव्य है, तो देखते हैं। कथा, आख्यायिका, खंडन काव्यम, महाकाव्यम। बुद्ध चरितम महाकाव्य है, जो कि महाकवि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 11 है, सौंदरानंदस्य नायिका का वर्तते। सौंदरानंद इस ग्रंथ की नायिका कौन है? दमयंती, रेवती, सुंदरी, लोपा वा। प्रश्न नंबर 11 का सही विकल्प, सही उत्तर 3, सुंदरी है। सौंदरानंद की नायिका सुंदरी कही गई है। तो इस प्रकार से बच्चों, आज हमने बहुत ही सरल भाषा में कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कुछ अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।